नमस्कार, फ्रीडम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गणित विषय की प्रकृति को समझेंगे। किसी भी शिक्षक को अपने विषय की प्रकृति समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो उस विषय को पढ़ाते समय अच्छी अच्छी विधियों का चयन कर सके और अच्छे अच्छे पढ़ाने के गुणों का विकास कर सके। हम सभी जानते हैं, स्कूल में कॉलेज में बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, और हर विषय की कुछ उद्देश्य होते हैं, उनकी कुछ प्रकृति होती है। अगर मैं आपसे कहूं, वास्तव में गणित में हम क्या सीखते हैं, तो आप कहेंगे यहां हम संख्याओं के बारे में सीखते हैं, हम आकारों के बारे में सीखते हैं, हम तर्क संबंधों के बारे में सीखते हैं। गणित विषय की जो प्रकृति है, अगर मैं आपसे कहूं, एक बड़े सटीक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। गणित में हम अमूर्त तार्किक संबंधों के बारे में सीखते हैं, अमूर्त पैटर्न सीखते हैं। अमूर्त पैटर्न्स का मतलब होता है जो हमें साक्षात दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से महसूस नहीं कर सकते। स्थानिक संबंधों के बारे में सीखते हैं, किसी स्थान पर किस वस्तु को रखा जा सकता है, किसी वस्तु का आयतन क्या है। अतः गणित तार्किक स्थानिक संबंधों और पैटर्न्स का अध्ययन है। वस्तुएं तो मूर्त हो सकती हैं, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, चाहे हम गेंद लें, तरबूज लें, लड्डू लें, इन सभी आकृतियों को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये गोल है, और इन गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। जो गोल है उन वस्तुओं को अलग रख दिया जाता है, और जो गोल नहीं है उनको अलग रख दिया जाता है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हमने गोले की अवधारणा का विकास किया, अर्थात जब हमने प्रकृति में ऐसी वस्तुओं को देखा जो एक जैसी हैं और गोल हैं, तो हमारे अंदर एक अवधारणा का विकास हुआ जिसको हमने गोले की अवधारणा कहा। अब हम जो भी चीजें देखते हैं और वो गोल होती हैं, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक विचार उत्पन्न हो जाता है, गोले की अवधारणा हमारे सामने आ जाती है। इस प्रकार से इस अवधारणा को अपने मूर्त अनुभवों से सफलतापूर्वक हमने अमूर्त स्तर पर प्राप्त कर लिया। इसका आशय आपको समझ में बड़ी आसानी से आ रहा होगा। हमने बहुत सारी गोल चीजों को देखा और गोल चीजों को देख करके हमने वहां पर महसूस किया और गोले की अवधारणा का विकास किया, जिससे कि मूर्त वस्तुओं को हमने गोले की अवधारणा प्रस्तुत करके अमूर्त रूप में प्रस्तुत कर दिया। गणित में अमूर्त चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संख्याएं, बीजगणित, रेखागणित, सभी क्या है, अमूर्त है। क्या आप एक को देख पाते हैं, क्या आप दो को देख पाते हैं, क्या तीन चार पांच, क्या आप संख्याओं को देख पाते हैं। हम गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने में हर जगह करते हैं, और इसके बावजूद भी इसे हम कठिन विषय के
तौर पर समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी इस बात को चिन्हांकित करती है कि गणित विषय को कठिन माना गया है। उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के लिए हमारी दृष्टि कुछ सरोकारों पर आधारित होना चाहिए और ये एनसीएफ कहता है। एनसीएफ का उद्देश्य सभी बच्चे गणित सीख सके और सभी बच्चों को गणित सीखने की जरूरत है। हमने देखा कि गणित में जो मूर्त वस्तुएं थी उनको अमूर्त संकल्पना के आधार पर अवधारणा में डाल दिया और इसी कारण यह विषय कठिन हो गया। गणित विद्यालय में अध्ययन करने के लिए एक अनिवार्य विषय है और इस कारण गुणवत्तापूर्ण गणित सिखाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन में आप सभी जानते हैं ये एक बच्चे का अधिकार है कि उसे गुणवत्तापूर्ण यानी अच्छे गुणों से परिपूर्ण गणित सिखाया जाए। गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को सरल और सहज ढंग से उपलब्ध कराई जाए, साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो गणित की शिक्षा है क्या वो आनंदपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। गणित विषय बच्चों को सीखने में कठिन लगने का कारण एक ये भी है क्योंकि गणित अधिकतर अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित है जिसको वास्तविक जीवन से जोड़ना बच्चों के लिए कठिन होता है और ये आनंदपूर्ण अनुभूति नहीं होती। और आप देखते हैं कक्षा 8 के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल में गणित पढ़ने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। वही प्रारंभिक स्तर पर यदि हम गणित शिक्षा की बात करें तो ये ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों को आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको सामना करने में मदद कर सके। यानी बचपन में जो गणित सिखाई जाए उस गणित का उद्देश्य होना चाहिए कि जब आगे जाकर बच्चे गणित सीखेंगे तो गणित में किस प्रकार की अवधारणाएं होंगी उनको चुनौतीपूर्ण तरीके से भी स्वीकार कर सकेंगे। अब हम गणित की प्रकृति को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। गणितीय अवधारणाओं को ऐसे उदाहरण से ढूंढा जाना संभव नहीं है जिनका हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सके। आप जानते हैं ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है कि आप गणित की अवधारणाओं का स्वाद नहीं ले सकते, खुशबू नहीं ले सकते, उनको देख नहीं सकते। जैसे हम पंखे, कुर्सी, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज सभी वस्तुओं को इस संसार में देखते हैं, लेकिन यदि हम किसी गणितीय अवधारणा की बात करें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या आपने 9 देखा है कहीं चलते फिरते घूमते, क्या आपने 2 देखा है, 3 देखा है, 4 देखा है, 5 देखा है, तो आप कहेंगे कि आपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसको वास्तविक जीवन में नहीं देखा, बल्कि ये एक अवधारणा है, एक संकेत है जो अमूर्त वस्तुओं को, जो मूर्त वस्तुओं को अमूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि मैं वहीं पर कहूं 3 कार, 3 बस, 5 हवाई जहाज,
ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसमें जो संख्याएं उपयोग की गई है ना, 3, 5, वो आपको नहीं मिलेंगी। इन अमूर्त अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए हम चिन्हों का उपयोग करते हैं, और जो आप एक अंक बनाते हैं वो एक प्रतीक है, एक चिन्ह है जो एक अमूर्त अवधारणा को व्यक्त करता है। जैसे मैंने कहा 3 कार, तो आपके दिमाग में कार की इमेज तो बनी, लेकिन जो 3 है उसकी इमेज नहीं बनी, बल्कि आपके दिमाग में यह बना कि कारें हैं जिनकी संख्या 3 है, मतलब 3 कार आपके वास्तविक जीवन में सामने दिखाई दे रही हैं। यदि हम सीधे सीधे वास्तविक जगत में चीजों के बारे में समझने और व्याख्या करने में गणित की बात करें तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से और समझा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं आपको एक संदूक एक निश्चित अलमारी में रखना है, तो उस अलमारी में वो संदूक आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, यह अनुमान लगाने में हम गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करेंगे। और गणितीय अवधारणाओं का उपयोग कैसे करेंगे, उस संदूक की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं किसी गिलास के अंदर पानी कितना बनेगा, कितनी मात्रा में हम उसके अंदर पानी भर पाएंगे, इस बात का अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो इसके लिए हमें गणितीय अवधारणा की बात करनी पड़ेगी। अर्थात किसी संदूक को कितनी जगह में स्थापित करना है, यह आपकी एक स्थानिक समझ को विकसित करने का तरीका है। आप किसी गिलास में कितना पानी भर पा रहे हैं, यह आपके अंदर मात्रात्मक क्षमता की अवधारणा का विकास करना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि गणित अमूर्त अवधारणा के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। दूसरी गणित की जो महत्वपूर्ण प्रकृति है वो है आपकी गणितीय अवधारणाओं में क्रमबद्धता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण गणित का गुण है गणितीय अवधारणाओं में क्रमबद्धता होती है। इस बात को हम कैसे समझें, गणितीय अवधारणाएं क्रमबद्ध होने का मतलब यह है कि गणित की एक अवधारणा उससे पहले की अन्य अवधारणाओं पर निर्भर करती है। गणित में किसी भी अवधारणा को आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उससे जुड़ी हुई पहले की अवधारणा को आप न समझ लें। जैसे आपको लाभ हानि अगर सीखना है तो उससे पहले आपको प्रतिशतता सीखना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, अगर हम जोड़ की अवधारणा समझना चाहते हैं, यदि हम जोड़ संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाए यह समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें संख्याओं की समझ आनी चाहिए। यदि हमारे अंदर संख्याओं की समझ विकसित नहीं हुई है तो हम वहां पर जोड़ की अवधारणा भी नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं 1, 2 या 3 स्थानीय मान को बिना समझे संख्या पद्धति को नहीं समझा जा सकता। यदि आप संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं तो संख्या पद्धति के लिए सबसे पहला चरण होगा कि आपको संख्याओं के बारे में उनके स्थानीय मानों के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। अगला गणित का अहम और महत्वपूर्ण गुण वो है गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध। गणितीय अवधारणाओं में तार्किक संबंध,
गणितीय अवधारणाओं की क्रमबद्ध श्रेणियां होती हैं। जो भी गणित में अवधारणाएं हैं उनमें एक निश्चित तार्किक संबंध होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 5 4 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 10 9 से बड़ा है, 10 6 से बड़ा है, यह गुण पहले से ही इन अवधारणाओं में अंतर्निहित होता है। अर्थात जो भी गणित की अवधारणाएं बनाई जाती हैं उन अवधारणाओं में पहले से ही तार्किक संबंध स्थापित होता है, वहां पर हमें तार्किक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो महत्वपूर्ण प्रकृति है गणित की वो है गणित किसी भी वक्तव्य, कथन के सत्य और असत्य होने का जो निर्धारण करता है वो पूर्व सिद्ध अवधारणा अथवा गणितीय मान्यता या अविग्रहित के आधार पर करता है। एक बार फिर से समझेंगे, गणित में किसी भी वक्तव्य कथन के सत्य या असत्य होने का जो निर्धारण है वो पहले से जो सिद्ध अवधारणा है, गणितीय जो मान्यताएं हैं या गणितीय अविग्रहित है उनके आधार पर होता है। किसी भी गणितीय वक्तव्य के सत्य या असत्य होने का निर्धारण उसमें तर्क और पहले से सिद्ध हो चुकी अवधारणाओं के, कथनों के और गणितीय मान्यताओं के आधार पर निहित है। जैसे यहां पर हम एक उदाहरण समझेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से पहले से ही किसी अवधारणा में पूर्व से अवधारणाएं सत्य और असत्य की निहित है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 30 में आप 5 से भाग दें और आपको परिणाम 5 प्राप्त हुआ, इस कथन की जांच आप कैसे करेंगे कि 30 में 5 का भाग देने से 5 मिलेगा? सामान्य तौर से आपको समझ में आ रहा है कि 30 में 5 का भाग देने पर 6 आएगा, लेकिन यह गलत है। 30 में 5 का भाग देने से मैंने कहा 5 कैसे मिलेगा। अब आपको भाग देने की अवधारणा नहीं पता, आपको भाग के बारे में नहीं पता कि भाई भाग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाग की अवधारणा क्या होती है और ये जो आपने अवधारणा उपयोग की है वो सही है या गलत है। भाग की अवधारणा का जो विकास होता है वो पहले हमें घटाने की अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें घटाने की अवधारणा आती है, मतलब घटाने का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम उस घटाने के कॉन्सेप्ट से भाग देने का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 30 में से आपको 5 5 निकालने हैं तो कितनी बार निकालोगे आप, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पर घटाने की अवधारणा का उपयोग कर रहे हैं और आप देखेंगे कि 30 में से जब आप 5 निकालेंगे तो पहली बार 5 2 3 4 5 इस प्रकार से 5 को जब आप 6 बार निकालेंगे 30 में से, तब कहीं ना कहीं ये पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये घटना असत्य है। हमने ये समझा कि जो भी गणित की नई अवधारणा का विकास होता है वो पहले की अवधारणा या जो गणितीय कथन है या जो गणितीय अभिग्रहित है जो पहले से निर्धारित हैं उनके आधार पर किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण जो गणित की प्रकृति है वो है गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध का मतलब आप सभी जानते हैं, यदि मैं आपसे कहूं असंदिग्ध शब्द से क्या आशय है तो आप कहेंगे जिसमें संदेह की गुंजाइश ही ना हो। और यहां पर मैंने कहा गणित का जो अहम एक और प्रकृति है वो है गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं। यदि कोई भी वस्तु दी गई है तो हम निश्चित रूप में बता सकते हैं कि वो किस आकार की है, घनाभ आकार की है, गोलाकार की है,
या घनाकार है, शंकुआकार है या बेलनाकार है। इसी प्रकार गणित में किसी भी संकल्पना या परिभाषा या कोई भी गणित का जो कथन है वो पूरी तरीके से असंदिग्ध होता है, जिसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पहले से ही गणित में गोले की परिभाषा, घन की परिभाषा, घनाभ की परिभाषा, यानी सभी जो आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों की जो स्पष्ट और निश्चित परिभाषा है पहले से ही दे दी गई है। अतः हम मान सकते हैं कि यह भी एक गणित की महत्वपूर्ण प्रकृति है कि गणितीय कथन हमेशा असंदिग्ध होते हैं, यानी गणितीय कथन में संदेह की गुंजाइश नहीं होती, अर्थात गणितीय कथन शत प्रतिशत सत्य होते हैं। इस प्रकार से हमने गणित की प्रकृति को समझा और उम्मीद है गणितीय प्रकृति, जो गणित विषय की प्रकृति है, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि गणित की जो प्रकृति के जो प्रत्येक बिंदु हैं उसमें हमने सामान्य जीवन से जुड़े हुए उदाहरण सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से हम अगली कक्षा में गणित शिक्षण के लक्ष्य और गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको यह ध्यान रखना होगा जो भी क्रमिक वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि गणित का यह भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है, गणित के अंदर क्रमिकता होती है। यदि आपको पहले की चीजें ज्ञात नहीं है तो आगे की अवधारणा का ज्ञान संभव नहीं है। तो जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उन लेक्चर्स को आप क्रमिक तरीके से देखते हुए चलें। जिसको लगता है कि एक बार में क्लास समझ में नहीं आई है तो दो बार देखें, तीन बार देखें, चार बार देखें, जब तक आपको तथ्यों का और उस विषय का वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक वीडियो आप देखते रहें। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।